गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी एरिया बिटवीन द कर्व। तो फर्स्ट हम फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद उसके एग्जांपल। तो द एरिया बिटवीन द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स विथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी इज डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखो, कोई दो कर्व है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, ये कर्व है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है, और ये सेकेंड कर्व है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इस तरह से अगर कोई कर्व है तो इनके बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, और इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट सपोज x इज इक्वल टू a है और ये पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू b है। तो ये जो शेडेड रीजन है, जो मैंने शेड किया हूँ, ये इस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये जो कर्व दिख रहे हैं आपके, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे भी आ सकते हैं। तो उसके लिए सेकंड फार्मूला आपको याद रखना है, द एरिया बिटवीन द कर्व एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई विद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू सी एंड वाई इज इक्वल टू डी इज डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी टू डी एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई। तो ये कर्व जो है वो इस तरह से है, ये कर्व है आपका x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और ये सेकंड कर्व है x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, और इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है y इज इक्वल टू सी, और ये जो पॉइंट है y इज इक्वल टू डी पॉइंट है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन का एरिया जो है, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इन दो फॉर्मूले पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर वन है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, और ये स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच का एरिया हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो, पहला कर्व है हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सेकेंड कर्व है हमारे पास वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर। तो पहले मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व जो है वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे आप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x वेरिएबल की पावर इवन नंबर है, मीन्स ये y एक्सिस पे बनेगा, राइट है, पॉजिटिव y एक्सिस पे बनेगा। तो ये है आपका, इस तरह से कर्व बनेगा, ये पैराबोला की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ये तो आपको याद ही है। ठीक है, तो ये कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद है स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर। तो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो इस तरह से रफ वर्क कर लेना, ये स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस कैलकुलेट कर लेना, राइट है, ये x एक्सिस को कहाँ कट करती है, y एक्सिस को कहाँ कट करती है। तो देखेंगे हम इसको, x एक्सिस को ये कहाँ कट करती है, तो x एक्सिस को कहाँ कट करती है, ये फाइंड करने के लिए हम y इज इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो y इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो देखो कितना बनेगा, जीरो इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा थ्री, जो है मल्टीप्लिकेशन में इधर आने के बाद डिनोमीटर में, यानी आंसर कितना आएगा, माइनस थ्री अपॉइंट फोर। तो ये x एक्सिस को माइनस थ्री अपॉइंट फोर पे कट करती है, और उसके बाद ये y एक्सिस को कहाँ कट करती है, तो आपको x इज इक्वल टू जीरो रखना है। तो जब x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे इसमें, तो y इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, फोर। तो y इज इक्वल टू ये फोर, y इज इक्वल टू फोर पर ये कट करती है y एक्सिस को, राइट है। तो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से रहेगी, मैं इस तरह से फ्री हैंड से बना लेता हूँ। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये पॉइंट, ये माइनस फोर अपॉन थ्री है, और ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, फोर पॉइंट। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हमको ये दोनों कर्व के बीच में जो रीजन दिख रहा है, ये वाला जो मैंने शेड किया हूँ, ये रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये रीजन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगेंगे, ये वाले, ये जहाँ कर्व जो एक दूसरे को जो है वो कट कर रहे हैं, राइट है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये दोनों इक्वेशन ऑफ कर्व को क्या करना है, इक्वेट करना है एक दूसरे से। तो कैसे इक्वेट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर है, ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, राइट है। अगर y की वैल्यू नहीं दिया है तो आपको सेपरेट करना है। ठीक है, तो देयर फोर इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर,
वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू, मैंने दोनों वाई की वैल्यू को क्या कर दिया हूँ, इक्वेट कर दिया हूँ। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैं ये दोनों वैल्यू को इस साइड में शिफ्ट करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल, सॉरी प्लस फोर इधर आएगा तो माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना है हमको। तो कैसे फैक्टर करेंगे, आप चाहे तो डायरेक्टली कैलसीएम में भी कर सकते हैं, मैं मैन्युअली कैलकुलेट करता हूँ। माइनस फोर के फैक्टर करना है, माइनस फोर के फैक्टर, और प्लस माइनस आंसर कितना आना चाहिए, माइनस थ्री। तो फोर ज़ा वन, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, माइनस फोर। माइनस फोर को वन से मल्टीपल करेंगे तो माइनस फोर आंसर आएगा, माइनस फोर को वन में ऐड करेंगे तो माइनस थ्री आंसर आएगा। तो एक फैक्टर हो गया उसका माइनस फोर और दूसरा फैक्टर हो गया वन। मीन्स यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे एक्स माइनस फोर और सेकंड ब्रैकेट में एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये इसके फैक्टर हो गए, राइट है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इज इक्वल टू फोर और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये माइनस वन है, और ये जो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो दिख रहा है आपको, ये फोर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर माइनस वन और फोर पर दोनों पॉइंट जो है वो, दोनों कर्व जो है वो आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गए हमारे पास, राइट है। अब हमको ये जो कर्व दिख रहे हैं, कर्व को एक को एफ ऑफ एक्स से डिनोट करना है और एक को जी ऑफ एक्स से डिनोट करना है फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट जो ऊपर वाला कर्व दिख रहा है, देखो फिगर के अंदर जो ऊपर वाला कर्व है, ये ऊपर वाला कर्व कौन सा, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर। तो ऊपर वाले कर्व को जो है मैं एफ ऑफ एक्स से डिनोट करूंगा, ये y की वैल्यू को, राइट है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर, और जो रीजन में नीचे वाला कर्व दिख रहा है, नीचे वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये कौन सा कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो y की वैल्यू है इसको मैं जी ऑफ एक्स सपोज करूंगा, राइट है। तो y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक y की वैल्यू को आपको एफ ऑफ एक्स सपोज करना है और एक y की वैल्यू को जी ऑफ एक्स सपोज करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर वाला नीचे वाला ऐसा करेंगे। देखो अगर ऐसा करते हैं आप, ऊपर वाले कर्व को अगर एफ ऑफ एक्स सपोज करते हैं, नीचे वाले कर्व को जी ऑफ एक्स सपोज करते हैं, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, राइट है। और अगर इंटरचेंज करते हैं, नीचे वाले कर्व को अगर एफ ऑफ एक्स सपोज करते हैं, ऊपर वाले कर्व को जी ऑफ एक्स सपोज करते हैं, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। और आपको पता है कि एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जो भी आंसर आता है आपको, उसको आंसर आपको पॉजिटिव करके ही लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर चूज इस तरह से करेंगे, ऊपर वाले कर्व को एफ ऑफ एक्स और नीचे वाले कर्व को जी ऑफ एक्स, तो बराबर आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो सपोज कर लिया मैंने ऊपर वाले कर्व को एफ ऑफ एक्स और नीचे वाले कर्व को जी ऑफ एक्स, और जो लोअर लिमिट है उसको ए सपोज कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस वन, और जो अपर लिमिट है उसको बी सपोज कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू फोर, ठीक है। अब जो है एरिया बिटवीन द कर्व्स का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज, तो देखो क्या होता है एरिया बिटवीन द कर्व, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ सभी वैल्यू आपको पुट करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, जी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो पुट करेंगे हम। ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है माइनस वन, अपर लिमिट है फोर, एफ ऑफ एक्स हमने सपोज किए थ्री एक्स प्लस फोर, ठीक है। उसके बाद है माइनस जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमने सपोज किए एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है और आंसर लिख लेना है इसका। तो इंटीग्रेट करेंगे हम, थ्री एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फोर, फोर का इंटीग्रेशन फोर एक्स, उसके बाद माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और लिमिट अप्लाई करना है माइनस वन टू फोर। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स की जगह फोर रखना है, एक्स की जगह फोर रखेंगे, थ्री बाई टू, एक्स की जगह फोर रखें तो देखो फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर मीन्स कितना हो गया सिक्सटीन, प्लस यहाँ एक्स की जगह फोर रखेंगे तो ये हो जाएगा फोर ज़ा फोर सिक्सटीन, माइनस यहाँ एक्स की जगह फोर रखेंगे तो फोर क्यूब, फोर क्यूब मीन्स कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई थ्री। तो ये हो गया अपर लिमिट, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इसी के आगे आप कंटिन्यू करना अगर स्पेस है तो, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखना है माइनस वन। तो मैं यहाँ माइनस वन रखूँगा तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, राइट है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो ये बना आपके पास थ्री बाई टू। यहाँ पे एक्स की जगह माइनस वन रखूँगा तो ये हो जाएगा माइनस फोर इंटू माइनस वन, फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर,
यहाँ x इक्वेशन पे माइनस वन रखोगे तो माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस वन बाय थ्री। ठीक है, अब ये सारे नंबर्स को आप कैलसी में कैलकुलेट कर लेना, इसका फाइनल आंसर आएगा 125/6। ठीक है, ये सबको आप कैलसी में रखेंगे तो इसका आंसर 125/6 आएगा। इस तरह से जो है वो एरिया बिटवीन द कर्व जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर टू, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो कर्व है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पहले तो इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे, दोनों भी स्टैंडर्ड कर्व है, ये भी पैराबोला है, ये पॉजिटिव x एक्सिस पे बनेगा क्योंकि y वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे x वेरिएबल की पावर 2 है तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पे बनेगा, राइट है। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कर्व है आपका, ये कर्व कौन सा है, पॉजिटिव ये वाला कर्व, राइट है। इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और सेकेंड कर्व इस तरह से बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये रीजन जो दोनों पैराबोला से जो है बाउंड है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो रीजन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ज़रूरत है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो दिख रहा है आपको जीरो है, लेकिन ये सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व को इक्वेट करके। अब इक्वेशन ऑफ कर्व को इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वेशन ऑफ कर्व में से मैं वाई की वैल्यू को सेपरेट कर देता हूँ। देखो वाई की वैल्यू इसलिए सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एक्स हमको कैलकुलेशन करना है, ये पूरा का पूरा जो रीजन दिख रहा है आपको वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, राइट है। तो फर्स्ट फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं वाई की वैल्यू को सेपरेट कर देता हूँ, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करूँगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4ax। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4a को इसके डिनोमीटर में ले लो, 4a आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस आ जाएंगे, राइट है, कर्व आ जाएंगे। तो देयर फोर क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट 4ax इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। अब यहाँ से x की वैल्यू सेपरेट करना है तो दोनों साइड स्क्वायर करो, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए, तो ये बन जाएगा आपके पास 4ax इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 और ये 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये 16a स्क्वायर को इस साइड में शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 16 4 64 a मल्टीपल a स्क्वायर a क्यूब x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4। ठीक है, 64a क्यूब x को साइड में शिफ्ट कर देते तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 माइनस 64a क्यूब x इज इक्वल टू 0। दोनों जगह से x कॉमन है, x को कॉमन ले लिए, x को कॉमन लेके तो यहाँ पे बनेगा x क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0, राइट है। अब ये दो फैक्टर हो गए तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 और x क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0, राइट है। तो x इज इक्वल टू 0, x क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0, माइनस 64 को a क्यूब को साइड में शिफ्ट कर दो तो जब इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64a क्यूब। क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड, क्यूब रूट लेंगे क्यूब को कैंसिल करने के लिए, तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 और ये a रेस्ट पावर 3 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा a, तो x इज इक्वल टू 4a और x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 तो दिख ही रहा था हमको ऑलरेडी, और ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन सा है, 4a है। अब क्या करना है आपको, कर्व को जो है y की वैल्यू, दोनों कर्व में से जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू को, एक y की वैल्यू को आपको f ऑफ x सपोज करना है, जनरली ऊपर वाले कर्व जो दिख रहा है उसको f ऑफ x सपोज करो और रीजन में जो नीचे वाला कर्व दिख रहा है उसको g ऑफ x सपोज करो। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू ऊपर वाला कर्व ये है, इसकी इक्वेशन ये है, यहाँ से y की वैल्यू, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 4ax। ध्यान रखना कि y की वैल्यू को f ऑफ x सपोज करते हैं, g ऑफ x सपोज करते हैं, तो ये वाले कर्व से 4ax, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला कर्व दिख रहा है, ये नीचे वाला कर्व, राइट है, इसमें y की वैल्यू क्या है, इस कर्व से y की वैल्यू हमने ये सेपरेट की है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, इसको g ऑफ x सपोज करेंगे एंड g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट है यहाँ पे 0 तो इसको a सपोज कर लिए, a इज इक्वल टू 0 और अपर लिमिट है 4a, इसको b सपोज कर लिए, b इज इक्वल टू 4a। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लेते हैं एरिया बिटवीन द कर्व्स का।
area between curve y is equal to f of x and y is equal to g of x is a is equal to integration a to b f of x minus g of x dx. सभी की वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन a, a is equal to कितना है 0 और b is equal to है 4a, उसके बाद f of x is equal to कितना है अंडर रूट 4ax, ठीक है, उसके बाद माइनस g of x is equal to कितना है x square upon 4a, और अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन कैसा होगा, अंडर रूट 4a कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे अंडर रूट 4a को. अंडर रूट x का इंटीग्रेशन होगा, अंडर रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो अंडर रूट का मतलब होता है x इज टू पावर 1/2, रूट x का मीनिंग होता है x इज टू पावर 1/2, और x इज टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये पावर में 1 ऐड करेंगे और पूरी पावर को नीचे लेके आएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x इज टू पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना 3/2, और पूरी की पूरी पावर नीचे आएगी. तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1/4 एक कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट अप्लाई करना है आपको, लिमिट क्या अप्लाई करना है 0 to 4a, ठीक है. तो देखो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट है 4a, तो जहां जहां x है x की जगह आपको 4a रखना है, इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ये अंडर रूट 4a, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 4a रेस टू पावर 1/2, ठीक है, और ये 3/2, तो ये 2 जो है डिनोमेटर का डिनोमेटर न्यूमरेटर में आएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा 2/3, ठीक है, और x की जगह पे क्या रखना है 4a, तो x की जगह 4a रख दिए, 4a रेस टू पावर 3/2 माइनस आगे है 1/4a, और x की पोजीशन पे रखना है 4a³/3, ठीक है, ये अपर लिमिट हो गई, जहाँ x था x की जगह 4a रखे, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो देखो x की जगह 0, 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0, यहाँ पे भी 0, तो लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, 0 आंसर आ जाएगा. अब ये 4a रेस टू पावर 1/2 और 4a रेस टू पावर 3/2 सेम नंबर्स का अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो उनकी पावर में क्या होता है एडिशन होता है, तो ये 2/3 को मैं पहले लिख लेता हूँ, और ये 4a और इसकी पावर में एडिशन करना है, तो 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 1 + 3 = 4, 4/2, 4/2 में से हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ से ये 4a से ये 4a कैंसिल, तो 4a³ था, एक 4a कैंसिल हो गया, तो ये 1/3 एज इट इज़, और यहाँ पे क्या बचा 4a² राइट है, 4a² जो है वो दोनों जगह से क्या है कॉमन है, 4a² को कॉमन ले लो, 4a² कॉमन ले लेते दोनों जगह से, तो यहाँ पे बचा आपके पास 2/3 माइनस यहाँ पे बचा आपके पास 1/3, 4a² में से कितना हो गया 16a², इसको सॉल्व कर लो, इसके भी डिनोमीटर में 3, इसके भी डिनोमीटर में 3, तो 2 - 1 = 1/3, ठीक है, दैट इज आंसर कितना 16a² / 3, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है. तो इस तरह से जो है वो एरिया बिटवीन द कर्व्स कैलकुलेट करते हैं. मैं एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x एंड y² इज इक्वल टू -4 × x - 2. तो सॉल्यूशन, फर्स्ट कर्व है हमारे पास y² इज इक्वल टू 4x, सेकंड कर्व है y² - 4 × x - 2, दोनों भी पैराबोला है राइट है. पैराबोला की इक्वेशन कैसे गेस करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन में जो है एक वेरिएबल की पावर 2 होती है और एक वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो 101% पैराबोला ही होता है. तो ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है. देखो पैराबोला को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट पैराबोला तो बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाएगा, y² इज इक्वल टू 4x, तो y² है, y की पावर इवन नंबर है, मतलब ये पॉजिटिव x एक्सिस पे बनने वाला है, तो पॉजिटिव x एक्सिस पे ये पैराबोला इस तरह से ड्रॉ होगा, ये हो गया आपके पास y² इज इक्वल टू 4x. अब ये पैराबोला ड्रॉ करना है, तो ये पैराबोला देखो कैसे ड्रॉ करेंगे. मैं यहाँ से -2 को अगर हटा दूँ, ये x के साथ जो -2 लगा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा होता y² इज इक्वल टू -4x, तो आप पैराबोला को कैसे ड्रॉ करते, आप पैराबोला को ऐसे ड्रॉ करते, y² है मतलब ये x एक्सिस पे बनने वाला है राइट है, और माइनस है इसलिए नेगेटिव x एक्सिस पे बनने वाला है, मीन्स ऐसा बनने वाला है राइट है. तो देखो x के साथ कोई नंबर नहीं है, तो ये इसलिए ये ओरिजिन से पास हो रहा है इस तरह से x-0, इस तरह से x को मैं x-0 भी तो लिख सकता हूँ राइट है.
अब मैं ये जीरो की जगह एक्स माइनस जीरो है इसलिए ये पैराबोला इस तरह से यहाँ पे जीरो से पास हो रहा है, यहाँ पे जीरो की जगह अगर मैं माइनस टू लगा दूंगा तो ये पैराबोला जो है वो जीरो की जगह कहाँ से पास होगा, टू से पास होगा, ये यहाँ से पास होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही है वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स और ये एक्स की जगह एक्स के साथ क्या है माइनस टू है, तो ये पैराबोला ओरिजिन से पास ना होते हुए ये एक्स इज इक्वल टू टू से पास होगा, ठीक है। तो ये पैराबोला की इक्वेशन ऐसी बन जाएगी इस तरह से, और ये जो पॉइंट है तुम्हारा ये टू पॉइंट होगा, क्लियर हुआ। तो ये कौन सा पैराबोला है हमारा वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू, और ये दोनों पैराबोला से जो रीजन बाउंड हो रहा है ये रीजन का एरिया हमको कैलकुलेट करना है। अब ये रीजन अगर देखेंगे तो देखो एक्स एक्सिस जो है वो बीच में, एक्स एक्सिस ने जो है वो इस रीजन को बीच में पूरा कट कर दिए, तो हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला है एक्स एक्सिस वाला वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब वाई एक्सिस वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाई के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब सेकेंड नंबर वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए अब यहाँ से y की वैल्यू सेपरेट नहीं कर रहा हूँ बल्कि x की वैल्यू सेपरेट कर रहा हूँ, राइट है। तो x की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास y के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो x इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन फोर, यहाँ से x को सेपरेट करेंगे ये माइनस फोर इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, माइनस टू को साइड में शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर, ये माइनस टू इधर आया तो प्लस हो गया, तो ये x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, देयर फोर y square upon 4 is equal to 2 minus y square upon 4। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस y square upon 4 को इधर लेके आ जाओ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y square upon 4 plus y square upon 4 is equal to 2, y square upon 4 plus y square upon 4, y square upon 2, y square upon 2 is equal to 2, 2 डिनोमिनेटर में उधर जाने के बाद मल्टीप्लीकेशन में, तो y square is equal to 4, therefore y is equal to plus minus 2, ठीक है। y square is equal to 4, देर स्क्वायर रूट करेंगे तो y is equal to कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो ये वाला जो पॉइंट है माइनस 2 है और ये वाला पॉइंट जो है वो प्लस 2 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गए। अब हम सपोज कर लेंगे, राइट है, एक जो x की वैल्यू है, ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व से जो x की वैल्यू सेपरेट किए थे, एक को हम f ऑफ y डिनोट करेंगे और एक को g ऑफ y डिनोट करेंगे, तो राइट हैंड साइड वाले को हम f ऑफ y डिनोट कर लेते और लेफ्ट हैंड साइड वाले को g ऑफ y डिनोट कर लेते, राइट है। तो मैं यहां लिखता हूं लेट x is equal to f ऑफ y, राइट में ये वाला कर्व है और ये कर्व है, ये कर्व से x की वैल्यू ये आई थी, राइट है, तो f ऑफ y इज इक्वल टू टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर एंड x इज इक्वल टू g ऑफ y, g ऑफ y इज इक्वल टू लेफ्ट में ये वाला कर्व है और ये कर्व से x की वैल्यू हमने क्या सेपरेट किए थे वाई स्क्वायर अपॉन फोर सेपरेट किए थे, वाई स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है। उसके बाद c इज इक्वल टू लोअर लिमिट, c इज इक्वल टू लोअर लिमिट माइनस टू एंड d इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस टू। अब एरिया बिटवीन द कर्व्स का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अंदर ये पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया बिटवीन द कर्व्स x इज इक्वल टू f ऑफ y एंड y इज इक्वल टू g ऑफ y इज a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c टू d f ऑफ y माइनस जी ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू सी मीन्स माइनस टू 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 और एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर, उसके आगे है माइनस जी ऑफ वाई की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर डी वाई, ठीक है। माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फोर कितना हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो जाएगा टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रेशन माइनस टू 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 डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करना है और आंसर कैलकुलेट करके लिखना है, तो 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा इज इक्वल टू 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2y माइनस 1 बाई टू एज इट इज y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 और लिमिट अप्लाई करना है आपको माइनस 2 टू 2, ठीक है। अपर लिमिट रखना है 2, तो जहां y है y के पोजीशन पे 2 रखेंगे, यहां पे y के पोजीशन पे 2 रखें तो 2 2 4 माइनस यहाँ वाई के पोजीशन पे 2 रखे तो 2 क्यूब मीन्स 8 डिवाइड बाई 2 जै 3 6 माइनस लोअर लिमिट वाई के पोजीशन पे माइनस 2, यहाँ माइनस 2 रखे तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 और यहाँ वाई के पोजीशन पे माइनस 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 जै 3 6। अब ये सारा कैलकुलेशन अगर आप कैलसी में कैलकुलेट करके लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर है 16/3।
ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो एरिया बिटवीन द कर्व जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको होमवर्क दे रहा हूँ। दो क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला वाई इज इक्वल टू 2√x एंड एक्स इज इक्वल टू 2√y। इसका आंसर है 16/3। सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला वाई इज इक्वल टू 4x-x² एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका आंसर है 9/2। तो ये दो एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे। अगर इसमें डिफिकल्टी आती है तो डिफिकल्टी आप मेरे से पूछेंगे व्हाट्सअप से। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।